हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी अनमैट। तो आज हम जा रहे हैं चेन लूप करने और आपको बताते हैं चेन लूप करने का प्रॉपर तरीका। तो मैं किस तरह से कर रहा हूँ उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं चेन लूप गाड़ी का कैसे करता है। तो ये चेन है, देखिए अब ड्राई हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, देखिए पाउडर से ड्राई हो चुकी है। रोल ऑन का चेन लूप है, आप देख सकते हैं। चेन क्लीन के लिए मेरे पास थोड़ा सा डीजल है और ये WD-40 है। मैं इसको रस्टिंग के उसमें यूज़ करूँगा ताकि इसमें रस्ट ना लगे। इससे मैं चेन वॉश करूँगा डीजल वॉश से। और इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा कंप्रेशन नहीं करना है, हल्का फुल्का कंप्रेशन करना है क्योंकि डीजल है इसके अंदर और कंप्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं तो मे बी शायद कुछ अनहोनी हो सकती है। तो इसमें संभल के थोड़ा सा यूज़ करूँ। ये नॉर्मल वही वाली पिचकारी है जो गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। और ये मैंने एक ट्रे ले रखी है, देखिए पूरी तरीके से कहीं मतलब ये बहेगा तो इसी में आएगा ट्रे में। ये कूलर की पुरानी ट्रे है तो मैंने ये लिया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि पिछली बार ऐसे किया तो करते हैं ना तो यहाँ से सब पूरा गिरता है तो वो फिर पैर में फिसले और स्लिपरी होता है। तो कुछ थोड़ा सा आगे का सोच के इस बार हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया। बस ये इसका ब्रश है, मैं लाया था तो ये मेरे को रोहित बाइक हाउस से मिला था, 70 रुपीज़ का उन्होंने दिया था मेरे को। इसे थोड़ा सा ऐसे डीजल ले लूँगा, देखिएगा ले लिया। बस तो ऐसे लगा के इसको लगाना है, किसी भी एंगल से आप इसको कर सकते हो। गलती छूटने शुरू हुई, देखोगे कि नीचे देखिए काला काला सा पूरा, ये देखिए सब पूरा काला काला निकल रहा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका साफ करने का है, थोड़ा देर रुक जाए, थोड़ी देर वेट करें। आप देखोगे ये देखिए यहाँ यहाँ से देखिए ब्लैक ब्लैक से निकल रहा है, तो ये भी बिल्कुल चमक जाएगी। इसको फिर से इससे कस के रगड़ देते हैं। देख सकते हो इसको मैं थोड़ा सा धीमा धीमा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वॉश हो जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे गंदे गंदा ये ऑयल निकल रहा है। और एक बार यहाँ पे मारते तो देखिए कितना गंदा निकला, कितनी गंदगी निकल रही है। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ये देखिए ये। तो ये क्या करेगा, बेरिंग काट देगा, अंदर जाएगा, पहुंच गया अगर, देखिए ये डोरा फंसा था। तो ये डोरा फंसा था इसमें, देखिए ये मैंने निकाला है अभी, ये डोरा फंसा था यहाँ पे इसकी एक्सल पे, इस जगह पे। तो यहाँ से निकाला है मैंने। ये अच्छे से साफ हो गई है चेन काफ़ी, ये देखिए अब गंदगी कम निकल रही है। अभी एक बार झड़ जाएगा तो और अच्छे से, देखिए इस साइड में ये देखिए सब गंदगी जम जाती है इधर, ये अपो चेन के इस साइड में यहाँ पे सब जम गई। और हमेशा टायर को एक बार थोरोली चेक करते रहना चाहिए। तो अभी मैं काम कर रहा था तो ये देखिए ये मेरे को यहाँ पर कील दिखी, ये देखिए कील है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ निकालने की, ये देखिए देखिए ये जूते वाली, ये शूज़ वाली नेल है, शूज़ वाली नेल है पूरी, पीछे से मत्था इसका गया हुआ है और देखिए तिरछा घुसा था। तो नए टायर में यही होता है तो हमेशा देख लेना चाहिए, मान लो आप कहीं ट्रिप पे जाओ और ये अचानक से धोखा दे जाए। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं और तो नहीं है कुछ, ऐसे ही ये जो स्टोन्स दिख रहे हैं ये हटा लेने चाहिए। ये टायर क्लीनिंग होती है, देखिए कितने टायर से घुसा हुआ है, मैं दोनों साइड से देख ही ले रहा हूँ कहीं कुछ है तो नहीं। ओके है, ऑल ओके। तो आते हैं अपने पॉइंट पर,
खोल ली हूँ इन चेन क्लीन पे। देखिए काफी हद तक साफ हो गई। सूखे कपड़े से एक बार इसको पोंछ लेते हैं। तो ये देखिए गंदगी, देखिए तेल के साथ में गंदगी भी, ऐसा नहीं है कि तेल ही तेल है। और आप ये देखोगे जो ये निकल रहा है, ये जो गंदगी निकली है ना, ये देखिए ये जो गंदगी निकली है सिल्ट है, जो धूल डस्ट होती है ना। तो ये देखिए मोरंग मोरंग गिट्टी उसका पाउडर, तो ये सब चीज़ें चेन डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बहुत ही कहने को आसान और बहुत ही सस्ता काम है, ईजी काम है, लेकिन सबसे सेंसिटिव काम यही है चेन क्लीन करना किसी भी गाड़ी के लिए। आप देखोगे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सिल्ट है। ये कोई गंदगी कालिक नहीं है या ये जो इसमें ऑयलिंग करते हैं वो नहीं है। ये हम लोग तेल डालते हैं, जो हम लोग तेल डालते हैं गाड़ी में या जो ल्यूब करते हैं, उस ल्यूब में जो डस्ट चिपकती है, गिट्टियों के पाउडर होता है, मोरंग का पाउडर होता है, सड़क का डस्ट होती है, मतलब तरह के पाउडर, उस पाउडर का ये पेस्ट है जो इसके ऑयल्स में, इसके इसमें ग्रूव्स में, छेदों में भर जाता है, सांसों में भर जाता है और इसकी ऑयल में। और ये आप देख सकते हो एक ब्लैक ब्लैक सी रबड़ दिख रही होगी, अभी ये सफाई हो गई है। आपको दिखाई देता हूँ, लाइट भी मारता हूँ जरा। ये आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ से दिखाते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ये इन दोनों, इस वाले और इसके लोहे के बीच में ये रबर की ओरिंग जिसको बोलते हैं, ओरिंग चेन है। तो ये जो रबर की जो ग्रिप है, ये इन गिट्टी से कट जाती है, इन गिट्टी से ये कट जाती है। ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है ये चेन क्लीन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जो गंदी है यही चेन को ख़राब करती है, इस पॉकेट्स को ख़राब करती है, उम्र से पहले बूढ़ा कर देती है। ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, काफ़ी हद तक साफ भी हो गई है चेन, बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है। देखिए यहाँ से देखिए साफ़ हो गई है, और ये इसके अंदर से काफ़ी कट के चेन पॉकेट के अंदर से इधर से गंदगी निकल। चेन ड्यू करने से पहले एक बार सूती कपड़े से एक बार इसको वॉश करते हैं, इसको घुमा करके अच्छे से, कि कोई भी ऑयल का पार्टिकल, डस्ट का पार्टिकल रहे ना, ऑयल का पार्टिकल इसको बाहर ले जाएगा आपका, जो हम डालेंगे चेन ड्यू। पूरा सोख लिया उसने तो, शेक कर लेते हैं। शेक करने के बाद में बहुत अच्छे से डालेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो चेन ल्यूब करने का सही तरीका था या नहीं, या आपको और बेटर तरीका पता है तो आप बताइएगा। थोड़ा गंदा हो गया ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने डीजल से वॉश किया, इतनी गंदी थी चेन मेरे कान पर, बहुत डस्ट है, देखिए अभी भी उससे डस्ट निकली रही है। तो अभी इसको रात में इसी में खड़ा रहने देंगे, तो जो भी बह करके जो निकलना होगा वो निकल जाएगा। सॉरी इस हुलिये के लिए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।